सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब खूब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ टॉप 15 प्लेसेस जो कि मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है दिल्ली में, जहाँ पर आपको अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। नंबर 1, अक्षरधाम टेम्पल। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक है और यहाँ पर एंट्री के लिए कोई भी आपको फ़ी नहीं पे करनी होती है। नंबर 2, लोधी गार्डन। लोधी गार्डन की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक होती है और यहाँ पर एंट्री फ़ी कोई भी नहीं आपको पे करनी होती है। और ये जगह दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क में से एक है। नंबर 3, वेस्ट वंडर पार्क। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से वेस्ट से बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ की टाइमिंग की बात करें गाइस तो ये सुबह 11 बजे ओपन हो जाती है और रात के 8 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ की एंट्री फ़ी की बात करें तो ये मंडे से सैटरडे 50 रुपये रहती है और संडे को 100 रुपये होती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मंडे से सैटरडे के बीच में ही जाएं, क्योंकि आपके पैसे ही बच जाएंगे। और यहाँ पर टिकट ऑफलाइन है, यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन टिकट की फैसिलिटी नहीं है। सो गाइस, अगर आपको दुनिया के 7 अजूबे देखने हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। नंबर 4, लोटस टेम्पल। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें गाइस तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है। कोई भी एंट्री फ़ी नहीं देनी होती है। नंबर 5, नेशनल वॉर मेमोरियल। ये जगह इंडिया गेट के पास में ही है गाइस। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8:30 बजे तक ओपन होती है और यहाँ पर एंट्री के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, ये बिल्कुल फ्री है। नंबर 6, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। यहाँ की टाइमिंग से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक और यहाँ पर एंट्री फ़ी की बात करें तो गाइज वो है 80 रुपीज़। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टिकट को ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। अगर बच्चों की हाइट 3 से 5 फुट के बीच में है तो उनका टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ और सीनियर सिटीज़न अबव 60 उनका प्राइस है 40 रुपीज़। बेस्ट टाइम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में जाएं, क्योंकि उस समय सर्दी होती है, वरना गर्मी में आपको घूमने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी। नंबर 7, फिरोज शाह कोटला फोर्ट। अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 7 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक ओपन होती है। अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको 20 रुपीज़ लगेंगे, अगर ऑफलाइन लोगे तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा। नंबर 8, पुराना किला। अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 7 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक के लिए ओपन होती है और साथ में आपको अगर टिकट ऑनलाइन लेना है तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा, अगर आप टिकट ऑफलाइन लोगे तो आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। साथ में म्यूज़ियम के लिए आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा और अगर आप लेक भी जा रहे हो पुराना किला का तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा एक्स्ट्रा इसके अलावा। अगर आप पुराना किला आ रहे हो तो आप साथ में नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी कवर कर सकते हो, क्योंकि दोनों आमने सामने ही हैं। सो आप एक मॉर्निंग में कवर कर सकते हो, एक सेकंड हाफ में कवर कर सकते हो और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ। नंबर 9, हुमायूं टॉम। अगर यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें तो ये जगह सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक खुली होती है और अगर आपको टिकट ऑनलाइन लेना है तो आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा, अगर आप टिकट ऑफलाइन काउंटर से लोगे तो आपको 35 रुपीज़ पे करना होगा। और इस जगह की खास बात बताऊँ, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है फ़ोटोशूट के लिए। नंबर 10, कुतुब मीनार। अगर यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें गाइस तो वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुली होती है और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टिकट लेकर आओगे तो आपको 35 रुपीज़ पे करना होगा, अगर आप टिकट काउंटर से यहाँ पर ऑफलाइन लोगे तो आपको 40 रुपीज़ पे करना होगा। ये जगह सिटी से थोड़ी आउट में है तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो मैं इस जगह को हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ी गाइज, ये कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको हार्डली 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरा कैंपस घूमने में। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। नंबर 11, रेड फोर्ट। अगर यहाँ के ऑनलाइन टिकट की प्राइस की बात करें तो अगर आप सिर्फ फोर्ट घूमना चाहते हो तो आपको 35 रुपीज़ पे करना होगा, अगर आप फोर्ट के साथ म्यूज़ियम भी घूमना चाहते हो ऑनलाइन टिकट ले रहे हो तो आपको टोटल 56 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर आके टिकट ऑफलाइन लोगे तो सिर्फ आपको फोर्ट का 50 रुपीज़ पे करना होगा और अगर आप विथ म्यूज़ियम लोगे ऑफलाइन टिकट तो आपको टोटल 80 रुपीज़ पे करना होगा। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टिकट ऑनलाइन ही लें, क्योंकि आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। और मैं दिल्ली की हाईली रिकमेंडेड प्लेस में से एक बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आके हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। सो मेक श्योर आप अगर दिल्ली विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ।
नंबर 12 इंद्रप्रस्थ पार्क। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें गाइस तो ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 7 बजे तक ओपन रहती है। और यहाँ पर एंट्री फी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने। और ये जगह वेस्ट टू वंडर पार्क के बिल्कुल पास में ही है। नंबर 13 सफदरजंग टॉम। अगर यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें तो ये जगह सुबह 7 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है। अगर आप टिकट यहाँ पर ऑनलाइन लेकर के आओगे तो आपको मात्र 20 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर आके ऑफलाइन टिकट लोगे तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है गाइस, फोटोशूट के लिए मैं हाईली रिकमेंड बोलूँगा। और यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं होती है। नंबर 14 तुगलकाबाद फोर्ट। अगर यहाँ की टाइमिंग्स की बात करें गाइस तो ये सुबह 9 बजे ओपन होती है और शाम के 6 बजे तक ओपन होती है। अगर यहाँ के टिकट की बात करें गाइस तो अगर आप ऑनलाइन टिकट लेके आ रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप टिकट ऑफलाइन ले रहे हो तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा। नंबर 15 जंतर मंतर। अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें गाइस तो ये सुबह 8 बजे ओपन होती है और शाम के 7 बजे तक ओपन रहती है। अगर टिकट की प्राइस की बात करें गाइस तो अगर आप टिकट ऑनलाइन लेकर के यहाँ आ रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा और ऑफलाइन 25 रुपीज़। 16 नेशनल रेल म्यूजियम। यहाँ के टाइमिंग्स की बात करें गाइस तो ये सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुली होती है, सो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकते हो। सो गाइस वीडियो मैंने जो भी प्लेसेस दिखाई उन सबकी डिटेल ब्लॉग मैंने हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें जाके विजिट कर सकते हो। होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया गाइस। तो अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।